हेलो गाइस, तो कैसे हो? तो बताएंगे अपने गेम के अंदर मैजिक इवेंट के बारे में जो अपने को देखने के लिए मिला था, साफ डर्टी डर्टी बंडल। तो बताएंगे रेयर बंडल अपने मैजिक को अप टू डेट होने वाला दिवाली के टाइम पे। ये भी बताएंगे कि अपने को मैजिक को अप टू डेट होने के बाद क्या क्या आने वाला है, और बताएंगे इमोट कैप्सूल के बारे में बात करेंगे, और क्या बोलते हैं दिवाली इवेंट के बारे में बताएंगे आप लोग को, और बताएंगे ये भी नेक्स्ट इवो वर्ल्ड क्या आने वाला है अपने गेम के अंदर। और ये भी मुझे पता चल चुका है टू नाइट अपडेट अपने गेम के अंदर क्या है, यानी 11 सितंबर को अपने गेम के अंदर क्या आने वाला है इसके बारे में बताएंगे। मुझे सब पता है। तो ब्रदर वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए और फुल वॉच कीजिए, और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के लिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके और वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दो किसी एक प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे। भाई ने बोला करने का तो करने। गाइस, तो देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भाई जब पहली अप टू डेट बता रहे कि दिवाली इवेंट में हम सबको कौन कौन सा बंडल देखने के लिए मिलेगा, क्या ही बंडल से आने वाला है अपने गेम के अंदर, बोल सकते हैं गोल्डन सेट बंडल ये अपने गेम के अंदर दिवाली इवेंट में देखने के लिए मिलेगा, और इसका फीमेल बंडल भी अपने को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन समुराई बोला जाए तो ये नहीं आ सकता है, क्योंकि अपने पहले यानी इससे पहले मंथ में अपने को देखने को मिलेगा, और ब्रेक डांसर तो देखने का लिए मिलेगा, और ब्लू आर्टिक ब्लू ये भी अपने गेम के अंदर आएगा दिवाली इवेंट में, और ये फीमेल बंडल भी आएगा और ये मेल बंडल भी आएगा। बहुत सारा बंडल अपने दिवाली इवेंट के थीम पे देखने को मिलेगा जो हर साल आता है, और ये फीमेल बंडल भी आएगा, और ये बंडल भी रिटर्न देखने के लिए मिलेगा अपने दिवाली इवेंट के थीम पे, और ये बंडल भी, और काफ़ी ज़्यादा बंडल है जो फीमेल का बंडल है क्या बोल सकते हैं, और ये क्या बोलते हैं मेल का बंडल, वो ये क्या बोल सकते हैं इसका नाम तो मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और ये काफ़ी यानी मैं क्या बोलते हैं बंडल का प्रीव्यू आप लोगों को करा के दिखा रहा हूँ, ये तो शायद मेरे पास होगा बंडल बहुत सारे इसमें से, और क्या बोलते हैं लोकेश गेमिंग का फेवरेट बंडल ये भी रिटर्न आने वाला है, क्या बोल सकते हैं ब्रदर लोकेश गेमिंग का फेवरेट यानी बंडल होने वाला है, और ये सारे अपने गेम के अंदर दिवाली के इवेंट पर देखने के लिए मिलेगा, जो यानी बिल्कुल फ्री नहीं बोल सकते भाई साहब, इसमें करीब 10,000 डायमंड भी खर्चा हो सकता है, क्योंकि दिवाली वाला जो आता है इसमें टोकन मिलता है आप लोगों को, और उसी टोकन से आप लोग को एक्सचेंज करना पड़ता है, कोई एक बंडल आप एक्सचेंज कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं कोई एक ही कर सकते भाई, जितना टोकन पूरा रहेगा उतना बंडल आप लोग एक्सचेंज कर सकते हो। आप लोग को कौन सा बंडल अच्छा लगा कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो भाई साहब बताएंगे कि नेक्स्ट इवो वर्ल्ड अपने गेम के अंदर कौन सा आने वाला है। भाई साहब अभी लंबा समय है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि अपने गेम के अंदर नेक्स्ट इवो वर्ल्ड में यही रहने वाला है, क्या बोल सकते हैं वुडपिकर और एक ही यानी थॉम्सम और एक ही इवो गन अपने गेम के अंदर आने वाला है, क्या बोल सकते हैं थॉम्सम भाई एक ही आया, बहुत दिन हो गया भाई साहब, ये एक ही ड्रैगन एक ही आएगा अपने गेम के अंदर, ड्रैगन एक ही और थम्सम ऐड होगा, और दो तो पुराना गन रहे करता है ये क्या बोलते हैं कोबरा MP40 और वुड पिकर पहले वाला रहेगा, और क्या बोलते हैं थम्सम और AK ये दोनों गन अपने गेम के अंदर ऐड होगा। लेकिन इतना दिन पहले बता रहे इसके लिए तो एक लाइक कर सकते हो, यानी अपने गेम के अंदर 2 अक्टूबर को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ब्रदर बात करेंगे इमोट कैप्सूल, यानी काफ़ी दिनों से अपने गेम के अंदर इमोट पार्टी या इमोट कैप्सूल नहीं आया, तो इसके बारे में बात करके बताएंगे और काफ़ी मस्त मस्त अपडेट भी बताएंगे। तो भाई साहब वीडियो अच्छा लगता हो तो अभी ही वीडियो को लाइक कर दे। तो ब्रदर बता रहे हैं कि अपने को इमोट कैप्सूल देखने के लिए मिलेगा ये इमोट पार्टी, तो ब्रदर ये सभी इमोट अपने गेम के अंदर आने वाला है, और ये एक इमोट पार्टी में आएगा जो काफ़ी कमाल के होने वाला है इमोट पार्टी। भाई सब पहले से गरीना कितना इमोट अपने यानी रेडी करके रखा हुआ है, लेकिन अभी इंडिया सर्वर में लॉन्च नहीं है इमोट से हुआ है, लेकिन ये अरे इमोट को मैंने प्रीव्यू करके और वीडियो एक बना कर यूट्यूब चैनल पर डाल दिया हुआ, अगर आप लोग को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा उस पर क्लिक करके और फुल वॉचिंग कर लो वीडियो, उसमें आप लोग को बता दिए हैं कि कौन कौन से इमोट रहने वाला है भाई साहब। तो ये इमोट अपने गेम के अंदर इमोट पार्टी में या ये इमोट कैप्सूल में देखने के लिए मिल सकता है। तो भाई साहब इसमें से 2 या 3 कोई इमोट है जो अपने को लक रॉयल में भी आने का संभावना है, क्या बोल सकते हैं ये फ्लैग वाला ये इमोट तो भाई FF टोकन से एक्सचेंज होगा, इमोट कैप्सूल में भी आ सकता है, क्या बोल सकते हैं इमोट कैप्सूल में आएगा तो कोई ना कोई एक बंडल आएगा। और लॉल इमोट के बारे में बताएंगे ब्रदर, तो लॉल इमोट आएगा जब भी इमोट कैप्सूल अपने गेम के अंदर आएगा तभी लॉल इमोट आ सकता है,
और लॉल इमोट का क्या है बोलते हैं ब्रदर, इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ गया। पहले तो लॉल इमोट अपने स्टोर के अंदर अवेलेबल हुआ करता था, लेकिन अब गरीना वाले 2 या 3 साल पहले हम लोग को लॉल इमोट रिमूव कर दिया। तो ब्रदर आप लोग को इमोट कैप्सूल अच्छा लगता है या इमोट पार्टी, फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ब्रदर मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि मैजिक क्यूब अपने गेम के अंदर आने वाला है। दीपावली के थीम पे हम लोग को जो एक मैजिक क्यूब करके देता है, लेकिन इस बार शायद से आप लोग को 2 मैजिक क्यूब देखने के लिए मिलेगा। पहले जैसा पहले आप लोग को दिवाली के थीम पे यानी 2 मैजिक क्यूब दिया करता था, लेकिन अब ऐसा कर दिया कि आप लोग को एक ही मैजिक क्यूब देता है। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, गरीना को 2 मैजिक क्यूब देना चाहिए। इसमें काफ़ी कमाल के बंडल ऐड होने वाला है, जो आप लोग को मैं प्रीव्यू करा के दिखा रहा हूँ कौन कौन बंडल ऐड होने वाला है। तो ब्रदर यही बंडल है कुछ, इसका मैं आप लोग को यानी प्रीव्यू भी करा के दिखा रहा हूँ कौन कौन सा बंडल है। तो ब्रदर ये रेड कलर का बंडल जो अपने गेम के अंदर आ चुका है, ये भी अपने गेम के अंदर आ चुका है। ये अमित भाई का फेवरेट ड्रेस है क्या बोल सकते हैं, और ये अपने गेम के अंदर कितने बार आ चुका है फीमेल बंडल, ये तो भाई साहब सबको फ्री में मिला था शायद। और ये भी मैजिक से टोकन एक्सचेंज करने पर मिलता था, ये भी आज भी है और एक्सचेंज कर सकते हो इसे। और ये तो आया है अपने गेम के अंदर, ये भी अभी अवेलेबल है शायद से। और क्या बोलते हैं ये बंडल अवेलेबल है भाई साहब, इसकी डिमांड तो इतनी थी पहले क्या बोल सकते हैं। और ये अपने गेम के अंदर अभी भी अवेलेबल नहीं है, और ये भी अवेलेबल अभी नहीं है, लेकिन दीपावली के थीम पे 2 मैजिक क्यूब दिए जाएंगे तो उसमें आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा। और ये बंडल अभी भी अवेलेबल नहीं है भाई साहब, क्या बोल सकते, ये बंडल भी अवेलेबल नहीं है भाई साहब। ये बोल सकते कि दिवाली के थीम पर जब आएगा दिवाली, तब आप लोग को ये बंडल सारे देखने के लिए मिल सकता है यानी दीपावली में। तो भाई साहब इसके लिए बताया कि आप लोग को पहले की तरह रहा तो आप लोग को 2 मैजिक क्यूब मिलने का ज़्यादा संभावना हो सकता है, लेकिन अब न्यू अप टू डेट से अगर मैजिक क्यूब देगा तो एक से ज़्यादा दे नहीं सकता है। गरीना तो इतना पागल नहीं है कि आप लोग को फ्री में मैजिक क्यूब देगा, हम लोग को पहले 2 मैजिक क्यूब मिलता था। तो भाई साहब अब काफ़ी बंदे पूछ रहे हैं कि दिवाली का वीडियो भाई साहब बनाओ, तो मैंने एक वीडियो बनाकर आप लोग को दिखा भी दिया हूँ। अगर नहीं आप लोग देखे होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक होगा, उस पर जाके क्लिक करो और दीपावली का वीडियो देख सकते हो। तो भाई नेक्स्ट अप टू डेट के बारे में बात करते हैं, तो भाई साहब अपने गेम के अंदर यानी 13 सितंबर को आने वाला है AWM और M4A1 का रिंग इवेंट, जिसमें काफ़ी कमाल का गन देखने को आपको मिल सकता है। अब अभी तो इसका मैं प्रीव्यू आप लोग को नहीं करा के दिखा सकता हूँ, लेकिन ये बता सकता हूँ कि ये इसमें आप लोग को AWM स्किन ही देखने के लिए मिल सकता है और M4A1। तो भाई साहब अपने मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, तो भाई साहब कल है 11 सितंबर और कल के दिन अपने गेम के अंदर के लिए कुछ अभी तक गरीना कोई डिजाइन नहीं किया है। तो बोल सकते हैं कि अपने गेम के अंदर कल 11 सितंबर को सुबह 4 बजे अपने गेम के अंदर कोई नया इवेंट नहीं देखने को मिल सकता। तो वीडियो को अंत में पहुंच गए, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई ने बोला करने का तो करने का।